हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बड़े एकदम मजे में? तो चलो हमारा लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल 3.7, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। बच्चों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसको बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। कभी सोचा है कि जब भी आप आपकी जो कार है या व्हीकल, उसको ब्रेक लगाते हो, क्या तुरंत आपका व्हीकल स्टॉप हो जाता है? नहीं होता है। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू स्टॉप, इट विल टेक सम डिस्टेंस टू स्टॉप। जहां से ब्रेक लगे वहीं पे नहीं रुकेगा। सर डिस्क ब्रेक होते? अरे भैया डिस्क ब्रेक की बात नहीं करें, जब भी हम नॉर्मली नॉर्मल सिचुएशन में भी ब्रेक लगाते हैं तो वह क्या ऑन द स्पॉट वहां पे रुक जाता है? नहीं, उसको टाइम लगता है, उसको थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, थोड़े डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप होता है। यस नो? तो बच्चों ब्रेक लगाने के बाद, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो व्हीकल स्टॉप हुआ, उसी को बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। छोटा सा पॉइंट है, लेकिन यहां पे क्या है पता है, ये सारी चीजें जो भी यहां पे ना, आपको लगे कि सर आप थियरी में सॉल्व एग्जांपल क्यों ले रहे हो बार बार। देखो फ्री फॉल को भी आपने एग्जांपल में लिया और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस को भी आप एग्जांपल। भाई ऐसा है कि एनसीईआरटी की किताब में ऐसा दिया गया है। आइडियली देखने जाए तो ये एक छोटी सी थियरी बननी चाहिए, एक छोटा सा पॉइंट बनना चाहिए। तो पहले थियरी रिलेटेड आपको ये इक्वेशन जो कि एग्जाम्पल के तौर पे नहीं देना चाहिए, उनको एक थियरी के तौर पे देना चाहिए और फिर वहां पे किसी और एक एग्जाम्पल को अपेंड करना चाहिए, ताकि आप उसको समझ भी पाओ और उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है ये चैप्टर में, पता नहीं क्यों, मतलब एनसीईआरटी में सारे बहुत सारे जितने पॉइंट्स है ना, फ्री फॉल है, ये सारे है, वर्टिकली अपवर्ड है। देखो इसके आगे वाला जो एग्जांपल था उसमें क्या था, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंको तो उसके साथ क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, वो सारी तो उसको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया। ये सुनो, आइडियली आप उसको थियोरी से समझते हो तो बहुत ही बढ़िया लगता है, ये सुनो अच्छे से आप उसको समझ पाते हो, लेकिन वो एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल साथ में लेना पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे चलो हम बात करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस की। तो बच्चों स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले होता क्या है, ध्यान से सुनो, इसके डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, एग्जाम्पल में डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, ध्यान से देखो। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर हुआ? मैंने आपको देसी लैंग्वेज में समझा था कि जब भी आप व्हीकल पे ब्रेक लगाते हो, व्हीकल को ब्रेक लगाते हो, तो तुरंत स्टॉप नहीं होता है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा और फिर स्टॉप होगा। तो जब से ब्रेक लगाए तब से उसको सच में स्टॉप होने के लिए जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ना, उसी को बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अभी पॉइंट ये आता है कि उसको निकालते कैसे हो, आप इसको निकालते कैसे है, यस नो? तो उसका एक सीधा फॉर्मूला बन सकता है, अगर आप बनाना चाहो तो सीधा फॉर्मूला याद रखो, या फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि वो फॉर्मूला आता कहां से। आपने कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन का फॉर्मूला ही यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना? एकदम आसान, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस, यस नो? एक ही फॉर्मूला याद रखो, मतलब कि वैसे तो यहाँ पे तीन ही फॉर्मूला याद रखने, सारे किस्से सॉल्व हो जाते हैं, तीन फॉर्मूला सारे किस्से सॉल्व। बस यही होता है कि आप कहां से ओरिजिन मानते हो और किसको पॉजिटिव मानते हो, किसको नेगेटिव मानते हो, दैट्स इट। इतना ही समझ में आना चाहिए, यस नो? बच्चों क्या आपको पता है कि आपकी जो ब्रेक होती है ना बच्चों, वो भी डीएसिलरेशन प्रोवाइड करती है। उसका काम क्या है? डीएसिलरेशन प्रोवाइड करना, आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज करती है। डिक्रीज कौन कर पाता है? डीएसिलरेशन, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं जब भी आप ब्रेक लगाते हो ना, तो उसका रोल क्या है? उसका रोल है डीएसिलरेशन प्रोवाइड करना, मतलब कि आपकी जो मोशन होती है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एसिलरेशन प्रोवाइड करना। अपोजिट डायरेक्शन का एक्सीलरेशन मतलब कि डीएक्सीलरेशन। क्लियर हुआ? चलो तो समझते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यहां पे कोई एग्जांपल तो है नहीं, लेकिन फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान से देखते जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। उसके लिए ना हम थोड़ी सी सिचुएशन वगैरह लेते हैं यहाँ पे। तो एक मैंने यहां पे लाइन लगा दी और एक मैंने यहां पे लाइन लगा दी, ठीक है? चलो ऐसा अज्यूम कर लो बच्चों कि एक कार है ना, यहां से इन दोनों को जोड़ भी देता हूं, जोड़ देता हूं तो क्या है कि थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, ठीक है? मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, तो ये टिक 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 टिक। चलो अज्यूम करो बच्चों एक कार है जो यहां पे है, यहां से ये कार का जो ड्राइवर है ना, इसने ब्रेक लगाई, कहां से? ये वाली पोजीशन से ब्रेक लगाई, और कार ना यहां पे जाके स्टॉप हो जा रही है, ठीक है?
कार यहां से, यहां से, ये वाला पॉइंट है ना, इसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है। बोलने के लिए मैं क्या बोलूंगा, इसको ए पॉइंट बोलूंगा। मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो वो जो ड्राइवर है ना बच्चों, वो ड्राइवर ए पॉइंट पे कार की ब्रेक लगाता है। कार कहीं से आ रही थी, मतलब इसके आगे वो कहीं से आ रही थी, हमें उसको लेना देना नहीं, हमें सिर्फ जब से ब्रेक लगाती है और जहां पे स्टॉप होती है, जहां से ब्रेक लगाई जहां पे स्टॉप हुई, जहां पे ब्रेक लगाई जहां पे स्टॉप हुई, जहां पे ब्रेक लगाई जहां पे स्टॉप हुई, तो ये ब्रेक लगाई और स्टॉप हुई, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसको बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो हमें वो निकालना है। तो मैं आगे क्या था वो क्यों सोचूं, वो कहां से आई क्यों सोचूं? भाई स्टॉप होने के लिए कहां से आई वो जरूरी है क्या? भाई कहां से भी आई हो, ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने के बाद कहां पे स्टॉप हुई वो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ना कहां से आई वो थोड़ी ना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अगर वो नौसारी से आती होगी तो वो इतना डिस्टेंस के बाद स्टॉप होगी, अगर वो वलसाड से आती है तो इतना डिस्टेंस के बाद, अगर वो बॉम्बे से आती, अरे भैया उसके ऊपर थोड़ी ना डिपेंडेंसी है। ब्रेक जहां से लगा है वहां से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, वही तो निकालना है। तो उसके आगे क्या था उसको मैं क्यों देखूं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो। तो ध्यान से देखते जाओ। तो मान लो कि वो ए पोजीशन पे थी तब, तब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, तो मैंने क्या किया, उसी को ओरिजिन मान लिया, उसी को ओरिजिन मान लिया, ठीक है। तो पॉइंट ए जो भी है ना वो ओरिजिन पे ही है, इसलिए मैंने इसको उसका लोकेशन क्या बताया, जीरो, ठीक है। ये हमारी एक्सिस हो गई ना, ये हमारी एक्सिस हो गई, ग्रीन कलर से हम एक्सिस को डिनोट करते हैं, तो मैं यहां पे ग्रीन कलर का ही सहारा लेता हूं, ठीक है। मान लो कि मैंने यहां पे ये एक्सिस को बना दिया, यहां पे नीचे बना देता हूं, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैं उसको जो ओरिजिन को मैंने वहां पे लिखा था ना, उसको मैं जरा हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है, और इसको मैं नीचे डिनोट करूंगा। तो मेरे लिए ओरिजिन, क्योंकि देखो शुरुआत में ही हमने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं, वो जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक एक एक्सिस की, या सुनो, मतलब कि एक, कोई भी एक, एक हम क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है, या सुनो। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखो आज तक, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें मैंने एक एक्सिस अज्यूम की है। कहां पे आप ओरिजिन अज्यूम करते हो ना, वो बहुत ही जरूरी हो जाता है, या सुनो। तो वहां पे भी, यहां पे सॉरी, यहां पे भी मैंने एक एक्सिस, एक्स एक्सिस को यहां पे अज्यूम कर लिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और जहां से वो ड्राइवर ब्रेक लगाता है ना उसको मैंने ओरिजिन मान लिया, वो पोजिशन को मैंने ओरिजिन मान लिया। और मान लो कि ये वाला जो बी पॉइंट जहां पे आके कार गाड़ी अपनी जो फोर व्हील है वो यहाँ पे बी पॉइंट पोजिशन पे आके रुक जाती है, तो मान लो कि इसकी जो पोजिशन है वो डी एस के बराबर है। एक्चुअली ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है ना, इसको डी एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस को यहाँ पे डी एस से डिनोट किया जाता है, डी सफिक्स एस, या कई बार ना कोई बुक में डी एस ऐसा नोटेशन भी यूज होता है, हम इसको डी सफिक्स एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये डी एस से डिनोट है। तो भाई ये डीएस बी पॉइंट है, वो मान लो कि ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, डीएस, तो इसका लोकेशन, उसकी पोजीशन क्या हुई, डीएस के बराबर, ठीक है। अभी मैंने ये भी देखा, यहां पे ध्यान से देखना, मैंने ये भी देखा कि जहां से ब्रेक लगाई थी ना तब उसकी ये कार की वेलोसिटी जीरो नहीं थी। कार के पास मान लो कोई वेलोसिटी थी ये डायरेक्शन में, कोई इनिशियल वेलोसिटी थी ये डायरेक्शन में, मैंने उसको बोल दिया कि वो इनिशियल वेलोसिटी वीओ है, लेकिन जब वो रुकी ना तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो भैया फाइनल वेलोसिटी 100% 0 मीटर पर सेकंड, इतना तो मैं बता सकता हूं, इतना तो मैं बता सकता हूं, और आप भी समझ सकते हो कि कार स्टॉप हो गई, मतलब कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो इनिशियली जब उसने ब्रेक लगाई तब उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, मान लो वो कितनी थी, वीओ के बराबर, लेकिन जब स्टॉप हुई तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, वो हो गई हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी। और क्या आपने यहां पे देखा, ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब कि जो एक्सीलरेशन ब्रेक प्रोवाइड करती है वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करती है, मतलब कि मैं इसको बोलूंगा डी एक्सीलरेशन प्रोवाइड करते है। तो इसको एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन, मोशन ये डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यस और नो? तभी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना, यस और नो? तो यहां पे हमें वही स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये डीएस कितना होगा, मतलब कि ये डीएस कितना होगा, दिस इज द डीएस, दिस इज द डीएस, ठीक है। तो ये डीएस कितना होगा वो हमें यहां पे निकालना है। तो मैं क्या करूं, यहां पे टाइम की जरूरत नहीं है, मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है, ध्यान से देखना, मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, मेरे को एक्सीलरेशन पता है। तो एक काम करते हैं ना, वो तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला यहां पे यूज कर लेते हैं। तो करो थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला। सो फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 3 क्या था वो फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
वी जीरो स्क्वायर प्लस ट्वाइज ए इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। क्लियर है, यही तो फॉर्मूला था। अभी सारी वैल्यू प्लेस करो, फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस टू टाइम्स। क्या एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं समझ में आता तो क्या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है? जी हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब होता है ये माइनस ए प्लेस करना पड़ेगा। एक्स क्या मतलब, एक्स मतलब कि फाइनल पोजिशन, फाइनल पोजिशन क्या है, डीएस है, तो इसको हम लिखेंगे डीएस। और एक्स जीरो क्या, इनिशियल पोजिशन कहां पे है, ओरिजिन पे, उसी को तो ओरिजिन माने है ना, तो इसीलिए एक्स जीरो हम लिखेंगे जीरो। सारी वैल्यू प्लेस कर दी, ठीक है, तो हमारे पास वी जीरो स्क्वायर को यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस वी जीरो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा माइनस ट्वाइज ए डी एस। तो हमें निकालना है डी एस, तो डी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, माइनस वी जीरो का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस ट्वाइज ए। बच्चों माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो बच्चों ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, स्टॉपिंग डिस्टेंस का वैल्यू आया वी जीरो स्क्वायर बाय ट्वाइज ए के बराबर। कितना आया, v जीरो स्क्वायर बाय ट्वाइज ए के बराबर। क्लियर है, क्लियर है, तो ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। अभी आप इसको सीधा मगअप कर लो v जीरो स्क्वायर बाय ट्वाइज ए, या फिर आप ऐसे करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसको निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप स्टॉपिंग डिस्टेंस किसी कार के लिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को बोलो तो आप यहाँ पे यही फॉर्मूला को यूज करके भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आया कहां से, यहीं से तो आया था, तो इसलिए आप वो वाला ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, पूरी कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन तीन ही फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगी, बस आप ओरिजिन कहां पे लेते हो वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो एक एग्जांपल, एक छोटा सा, मान लो कि अगर मैं आपको बोलूं कि किसी कार, ध्यान से डायरेक्ट आंसर देना, किसी कार की ब्रेक मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डीएसीलरेशन प्रोवाइड कर सकती है, और राइट नाउ कार की स्पीड है लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड, 20 नहीं, गुजराती में 20 बोलते, 20 मीटर पर सेकंड, तो बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके स्टॉप होगी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है अभी, 20 मीटर पर सेकंड, और उसने, उसके ड्राइवर जब भी ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाता है तो कितना डीएसीलरेशन प्रोवाइड होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, डीएस इज इक्वल टू वी जीरो, 20 है, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 10, कितना हो, 10 20 20 एक 20 20 कैंसिल हो गया, तो 20 मीटर, मतलब कि वो कार ना 20 मीटर डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ है कि नहीं, सिंपल है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये वीडियो लिंक वीडियो था, आगे वाले वीडियो से ही लिंक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने शायद वहां पे देखा होगा रिकॉर्डिंग में कि बैटरी खत्म होने को आई थी और वो रिकॉर्डिंग वहीं से स्टॉप हो गया बैटरी खत्म होने के बाद। ठीक है, तो इसलिए ये कंटिन्यूटी में मैं जोड़ नहीं पाया, इसलिए मैंने इसको अलग वीडियो की तरह दिखाया, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दोनों वीडियो कंटिन्यूटी में है, भले मैंने अलग अपलोड किया है लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी में, तो आपको दोनों एक साथ में दिख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय बाय।